यूपी सरकार भले दबंगों पर लगाम लगाने के लाख दावे करे, लेकिन आज भी यूपी में कहीं न कहीं दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वायरल वीडियो इस बात की खुली तौर पर तस्दीक कर रहा है। सबसे पहले देखिए ये वीडियो, जिसमें देखने में ये किसी दफ्तर का लग रहा है। तो आपको बता दें कि ये बैंक का वीडियो है, जहां दबंगों के हौसले बेहद बुलंद हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से रसूखदार शख्स की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक दबंग बैंक मैनेजर के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बैंक खाते की लिमिट न बढ़ाने पर दबंग को इतना गुस्सा आया कि उसने बैंक के मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पर 12 करोड़ रुपए बकाया है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कानपुर के पांडू नगर स्थित यूनियन बैंक के रीजनल ऑफिस में बीते मंगलवार को विक्रांत सिंह ने मुख्य प्रबंधक के केबिन में घुसकर गाली गलौज करते हुए उन्हें पीट दिया। वहीं बीच बचाव करने अन्य बैंक कर्मी पहुंचे तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि विक्रांत सिंह का खाता पहले से ही NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस पर है, और ऐसे में अब विक्रांत और ज्यादा लोन मांगने पहुंचा था। बैंक द्वारा जब और लोन देने से इनकार कर दिया गया तो विक्रम सिंह ने यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रशांत कुमार के साथ मारपीट की। कानपुर के काकादेव स्थित पांडुनगर में यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य प्रबंधक प्रशांत कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे उप महाप्रबंधक अमित सिन्हा के केबिन में वो बैठे हुए थे। उसी वक्त NPA खाता धारक विक्रांत सिंह अपने साथी श्रेयस जायसवाल के साथ केबिन में जबरन चला गया, और उसका मैसर्स सिंह कसलरी सर्विसेज के नाम से खाता है, जिस पर पहले से ही लोन बकाया था। डिफाल्टर होने के बाद भी उस पर और लोन मांग रहा था। मना करने पर विक्रांत ने मैनेजर के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विक्रांत सिंह का विवादों से पुराना नाता है। इसके पहले भी विक्रांत सिंह लखनऊ में डेप्यूटी SP बनकर महिला सिपाही का हाथ पकड़ चुका है, जिस पर उन्हें लखनऊ के विभूति खंड थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लखनऊ की गोमती नगर की समिट बिल्डिंग में तैनात महिला सिपाही अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस दौरान गेट पर एक कार आई। महिला सिपाही ने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने को कहा था। इतने में कार के अंदर से एक व्यक्ति यानी विक्रांत सिंह कार से बाहर निकला और खुद को पुलिस विभाग का डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर बताया। इस बीच खुद को डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर बताने वाले शख्स यानी विक्रांत सिंह ने महिला सिपाही के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसका महिला सिपाही ने उसका विरोध किया था। इसकी शिकायत पुलिस को दी। मौके पर विभूति खंड थाने की पुलिस ने आरोपी विक्रांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पंजाब केसरी TV के लिए कानपुर से प्रांजल मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।